मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेकअप और हेयर। मैं सभी आर्टिस्टों को हेयर वर्क करती हूँ, और बकिया जो भी आर्टिस्ट मुझे बुलाता है काम करने के लिए, मैं उसका किसी का मैं पर्सनल नहीं करती हूँ। सरनाथ के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित होटल सुमिंद्रा के कमरा नंबर 105 में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे, जो कि महज 25 साल की थी, उन्होंने रविवार की देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फोरेंसिक टीम कमरे की जांच पर साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। इसके अलावा हमने इस पूरे केस की डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अपने चैनल न्यूज नेशन और NN बॉलीवुड पर साझा की हुई है, जो कि आप अभी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको आगे अपडेट दे के बताना चाहती हूँ कि अब जो की है पुलिस की और साथ ही जो आकांक्षा दुबे की हेयर ड्रेसर थी, उनके बयान सामने कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जिसमें से हमने पुलिस का बयान ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। अब इस वीडियो में आप आगे आकांक्षा दुबे की हेयर ड्रेसर का बयान देखेंगे कि उन्होंने लास्ट आकांक्षा दुबे को कब देखा था, और साथ ही आकांक्षा दुबे का क्या नेचर था कुछ दिनों से, जब उन्होंने एंड में ये सुसाइड करने का डिसीजन लिया। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेकअप और हेयर। मैं सभी आर्टिस्टों को हेयर वर्क करती हूँ, और बकिया जो भी आर्टिस्ट मुझे बुलाता है काम करने के लिए, मैं उसका किसी का मैं पर्सनल नहीं करती हूँ। रेखा मौर्य। रेखा जी, आप यहाँ पे जो घटना हुई है, क्या था, कौन लोग थे? सर ये तो हमें नहीं पता सर। अब मैं हमारी जो हीरोइन हो या हीरो हो, अपने टेक्नीशियन से कोई पर्सनल बात नहीं बताते हैं। हम लोग अंडर फेयर भी नहीं करते हैं कि आप हमें अपना पूछने का हक भी नहीं देते हैं कि आप हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। हमको रोकने का हक नहीं पूछेंगे। अगर मैं पूछती हूँ, मैडम आप कहाँ जा रहे, तुमसे क्या मतलब, तुम होती कौन, पूछने का कोई हक नहीं है, इसलिए हम लोग को बताते नहीं। उन लोग कुछ कारण पता सर है कि किस कारण से सर वो लड़की बहुत अच्छी थी और किसी से डरने वाली नहीं थी, बहुत दिलदार थी वो लड़की, हंस खेल के काम करने वाली थी और अपने स्टाफों का बहुत केयरिंग करती थी। हम लोग जितने भी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा वो लड़की बहुत ख्याल रखती थी। दीदी आपने खाया नहीं खाया, कहाँ हो, यही सब करती थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी सर। जब हमें कॉल आया शूटिंग से रेडी करने के लिए कि आप दीदी, आप रेखा जी ऐसा है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, आप उनको जगा कर रेडी करके लेके आओ, तो मैं फ़ोन बेल बजाया, बहुत बार घंटी पीटा, नहीं खोला दरवाज़ा, फ़ोन भी किया उनको तो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बहुत पीटा उठा दरवाज़ा नहीं खुला। फिर बगल के सर आए, हमारे जो राइटर थे। आप लोग कौन से होटल में रुकी थी और आपको घटना के बारे में कब जानकारी? सर मेरा यहाँ होम टाउन है बनारस है, मैं अपने घर चले जाती थी। मैं होटल पर बहुत कम रुकती थी, जैसे काम नहीं है तो मैं अपने घर चले जाते थे कि चलो भाई अपने घर में बच्चे के साथ में थोड़ा बहुत टाइम भी बिता लें, और ज़्यादा होटल में रुकते नहीं थे। रात में हमारा काम था तो सुबह हमको रेडी करने के लिए बोला गया था कि आप 7 बजे तक कॉल टाइम है, आप रेडी करके दे देना हमको, मैडम को। तो फिर बाद में हुआ कि नहीं मैडम का लेट होगा, पहले जो विलन लोग हैं जो संजय जी हैं पहले उनका काम होगा, आप मैडम को आराम से रेडी करना 10 बजे। तो फिर 10 बजे मैं वेल बजाई, उठी नहीं रही थी, सोई पड़ी हुई थी जब वो, क्योंकि वो ऐसी आर्टिस्ट है सर कि एक बार बेल बजाने में तुरंत खोल देती हैं। कोई बर्थडे पार्टी वगैरह में भी नहीं सर, हम लोग को तो कभी उनके साथ में बर्थडे बस सिर्फ